बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बोटी राइस चावल। तो उसके लिए हमने लिया है, सबसे पहले चिकन लिया है, तकरीबन ये 1 किलो चिकन है। और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला और 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून ही सुरख मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, इसको शामिल करेंगे। इसके साथ हमने 1/2 प्याली दही घी ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जाएगा इसमें 1 चुटकी सुरख कलर, ये सिर्फ चिकन के ताकि चिकन में एक अच्छा सा कलर आए, इसको शामिल कर दिए। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के। चलेंगे और इन सबको हम कर देंगे अच्छे तरह से मिक्स। इसको सारे को ना हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। आग हमने जला ली है, इसके ऊपर रखने लगे हैं कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे इसको, इसको हम पका लेंगे और ये अपने ही पानी में पक जाएगी। इसमें पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे हम, इसको बस दरमियानी आग पर पकाएंगे। अभी मैंने आग जलाई है इसलिए तेज़ है, थोड़ी फिर मैं इसको आस्ता कर देती हूँ, जैसे ही आग अच्छी तरह से लग जाती है। 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, पानी कितना छोड़ा है, इसी पानी में ये गल जाएगा बिल्कुल। हम इसको खुश कर लेंगे पानी को, ये जी देखें पानी इसका बिल्कुल खुश हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे ऑयल का, और इसके लिए हम चावल के लिए प्याज डालेंगे, इसमें 1 प्याज डालेंगे और इसको हम ब्राउन डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस दरमियाना सही करेंगे। और तकरीबन 1/2 किलो चावल है, उनके लिए मैं अभी बना लूँ। प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करेंगे, वो हमने किया उसमें चिकन में, इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर और सब्ज़ी मिर्चें। और ये मसाले हैं कुछ, इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये थोड़ा सा गरम मसाला है जो कि मिक्स है, काली मिर्चें वगैरह सारा इसमें, हर चीज़ इलायची लौंग वगैरह सब कुछ शामिल है, कड़ी पत्ता है और 1/2 टेबल जो है ना वो सूखा धनिया है, इसको शामिल करेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैं सिर्फ हल्का सा नमक डालूंगी और हल्की सी मिर्च डालूंगी, और क्योंकि हमने चिकन में शामिल किया है तो ज़्यादा स्पाइसी इसमें शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसमें हम शामिल करेंगे 3 गिलास पानी, क्योंकि 1.5 गिलास चावल था तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 गिलास पानी। जैसे ही ये पकने उबलने लगेगा तो इसमें हम राइस चावल कर देंगे। पानी उबलने लगे, अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल और इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इनको इस टाइम पे दम पे लगाने लगे हैं और इस चिकन को हम इसमें शामिल कर देंगे जो कि हमने पका लिया है। चावलों में हमने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि इसमें हमने चावल मसाले डाले हुए हैं सारे, तो जब ये मिक्स करेंगे तो सारे ही इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और मिर्चें, इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम येलो कलर, और इसको हम लगा देंगे दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए दम पे लगे हुए, अब हम इनको ना थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि बोटियाँ वगैरह सारी बीच में मिक्स हो जाए इनके। बस अब 2 मिनट के लिए हम इनको दम पे लगाएंगे और फिर आंच बंद कर देंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बस तकरीबन हो ही चुके हैं। ये रही जी इनकी फाइनल लुक, इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।